काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उनके कुछ फोक्स हैं उनके कॉइन्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में और मार्केट डोमिनेंस भी उनका बढ़ गया है और कौन से वो प्रोजेक्ट है जो इसके फोक्स के अंदर आते हैं और जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो मेक यू यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑल्सो मेस यू सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो यू डॉट मिस एनी फ्यूचर अपडेट तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सॉलिडली है क्या भाई है ना कि सॉलिडली के फोक्स के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि ये सॉलिडली क्या है तो सॉलिडली एक डिफाई की कैटेगरी कह सकते हो आप जिस टाइप से एम एम है जिस टाइप से यू नो आपका लैंडिंग बोरो प्रोटोकॉल है उसी टाइप से एक एम एम के सेक्टर में सॉलिडली करके एक एक्सचेंज लॉन्च हुआ था जिसको एंड्रेक ट्रॉन्जे ने का ही कॉन्सेप्ट था उसने लॉन्च किया था इथीरियम पर लॉन्च किया था तो सॉलिडली ने एक अप्रोच ये चेंज की थी कि जो कर्व का पूल्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया था कुछ फीचर ऐड किए थे ड्राइबिंग के फीचर को और ऑप्टिमाइज किया था गवर्नेंस मॉडल को ऑप्टिमाइज किया था अल्टीमेटली जो कर्व और यूनिस्टाइफ को ऑप्टिमाइज करके एक बेटर प्रोटोकॉल बनाया गया था सॉलिडली और सॉलिडली एक्सचेंज को इनिशियली इतना अट्रैक्शन नहीं मिला बट रिसेंटली वेलो ट्रम करके एक एक्सचेंज लॉन्च हुआ उसको काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन मिला है और उसके बाद आरबी ट्रम पे एक सॉलिड लीजर करके रिसेंटली लॉन्च हुआ उस पर भी अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है और एक बीएससी पे थेना करके लॉन्च हुआ है उसको भी अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है सो so, ये जो सॉलिडली के फोक्स है ये टॉप थ्री फोक्स के अंदर आ गया है और जो फोक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये फोक्स वो नहीं है जो आपके ब्लॉकचेन के फोक्स होते हैं जैसे हार्ड फोक होता है सॉफ्ट फोक होता है जो ब्लॉकचेन लेवल पे जो अपडेट होते हैं उनको जनरली हमको पता होता है बट यहाँ पे जो भी ये डैप्स होती है जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके जो कोड होते हैं ओपन सोर्स होते हैं है, उनके अवेलेबल होते हैं गिटअप पर कोड अवेलेबल होते हैं और आप एक डेवलपर हो तो उसके ऊपर कोड को यूज़ करके थोड़ा सा फीचर ऐड करके कस्टमाइज करके उस कोड को यूज करके अपना प्रोटोकॉल लॉन्च कर सकते हो राइट इसी वजह से हम ही देखते हैं कई सारे डेक्स अलग अलग चेंज पे लॉन्च होता है वेब था जो उसने ए एम का सबसे पहले एक डेक्स लॉन्च किया ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग का वो कॉन्सेप्ट लेके आए ए एम एम का कॉन्प्ट अच्छा चला डेस्क पे तो यूनिस्वैप को देखते देखते पेनकेक स्वैप उस पर लॉन्च हो गया बी एस सी पे सुशी स्वैप आ गया ऐसे कई सारे डेक्स आपको देखने को मिले वो यूनि स्वैप के फोक है वैसे ही आवे के कुछ फोक है वैसे ही कंपाउंड के कुछ फोक है वैसे ही सॉलिडली के कुछ फोक्स है तो वो डेटा जो आप फोक्स का डेटा है वो आपको डिफाइल लामा पे मिल जाता है तो यूनि स्वैप पर देखोगे तो थ्री एटी टू फोक्स यूनि स्वैप के ऑलरेडी हुए हुए हैं कंपाउंड के सेवेंटी सिक्स फोक्स है सॉलिडली के फोर्टीन फोक्स है तो टॉप थ्री जो प्रोटोकॉल है जिनको फोक किया गया है वो ये तीन प्रोटोकॉल है और इन तीनों प्रोटोकॉल में इंटरेस्टिंग जो बात यह है कि सॉलिडली का जो फोक्स है उन पे ज्यादा टीवील है काफी ज्यादा टीवीएल है एज कंपेयर टू जो सॉलिडली ओरिजिनल प्रोटोकॉल है उससे सो तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो 43,000 थ्री परसेंटेज के आसपास यहाँ पे इनका रेशो आ रहा है फोक्स टीवीएल वर्सेज ऑरिजिनल टीवीएल का मतलब फोक्स टीवीएल जो है वो ज्यादा है फोक्स के टीवीएल ज्यादा ऑरिजिनल टीवीएल्स है और वो डेटा हम अभी थोड़ा डीप डाइव करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे तब और मालूम पड़ जाएगा तो यहाँ पे सोलिडली के फोक्स जो है वो ओरिजिनल जो प्रोटोकॉल है उससे प्रो, काफ़ी ज़्यादा यू नो उनको रिसेंट ट्रैक्शन मिला है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वहाँ पर उनका टीवीएल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है टीवीएल ग्रोथ मतलब लोग वहाँ पे डिप कर रहे हैं और वहाँ पर डिपोजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है इंसेंटिवाइज काफ़ी अच्छे तरीके से इन प्रोटोकॉल में किया गया है इंसेंटिव मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है सॉलिडली के फोक्स का इसलिए ये जो डेक्स है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है अब सॉलिडली के जो डेक्स है उसमें अगर टॉप फाइव डेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले वेलोड्रम है और वेलोड्रम पे अगर आप सेवन डे का चेंज देखोगे तो सेवन डे पे थर्टी टू परसेंट के आसपास पास टी ग्रोथ आया है वन मंथ का अगर डेटा देखोगे तो वन वन सेवन परसेंट के आसपास ग्रोथ आया है अभी जो टी वी एल टू सेवेंटी फोर मिलियन डॉलर के आसपास चल रही है मार्केट कैप और टी का जो रेशो देखोगे वो पॉइंट है मतलब अभी भी अंडर वैल्यू है वेलोड्रम का एक कॉइन भी है वेलो करके उसके वो अभी एक अंडर वैल्यू के अंदर आता है मार्केट कैप वर्सेज़ टी वी एल अगर मैट्रिक्स आप यहाँ पर काउंट करते हो तो ठीक है तो इसके अलावा जो सेकेंड जो है वो थेना करके हैं और थेना का भी कॉइन है उसके बारे में बात करके थर्ड पे सॉलिड लीजर है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है फोर्थ पे सॉलिडली वर्जन टू है जो ओरिजिनल जो प्रोटोकॉल है उसका वर्जन टू है और फिफ्थ पे इक्विलाइजर एक्सचेंज है जो फेंटम पे है तो ये जो पांच प्रोटोकॉल है इनके कॉइन भी कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गारंटी कुछ नहीं है लाइक यहाँ पे ये है कि टी ग्रोथ अच्छा हो रहा है फंडामेंटल लेवल पर अच्छा ग्रोथ हो रहा है अल्टीमेटली इसका डोमिनेंस भी बढ़ रहा है सॉलिडली डेस्क पे वी का ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ा है सो so, यहाँ पे ये जो कॉइन है अच्छा कर सकते हैं टी ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो आप ये देखो कि 2023 के अंदर ही जो सॉलिडली के फोक्स में टी 100 मिलियन डॉलर से अभी ऑलमोस्ट 700 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है सात गुना की ग्रोथ आई है टी में मतलब यहाँ पे लोग काफी ज्यादा डिपोजिट कर रहे हैं काफी ज्यादा एक्टिविटी इंडेक्स की बढ़ गई है और वेलोड्रम लीड कर रहा है वेलोड्रम का डोमिनेंस थर्टी के आसपास है और बी पे थेना है तो थेना भी कहीं कही ना कहीं अच्छा कर सकता थेना ज़्यादा दूर नहीं है वो भी वन मिलियन डॉलर के आसपास है तो वेलोड्रम का अगर हम देखते हैं तो वेलोड्रम का जो कॉइन है उसका नाम वेलो है और उसकी जो प्राइस वगैरह है उसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो कॉइन गेको पे अगर इसको देखते हैं वेलोड्रम को तो इसका जो मार्केट के वो थर्टी मिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है और इसका एफ डी जो है वन फिफ्टी मिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है इवन इसका एफ डी जो है वो इसके टी से कम है तो इससे बढ़िया मेट्रिक्स कुछ हो नहीं सकती सो वेलोड्रम की प्राइस पॉइंट सत्रह डॉलर चल रही है बाकी आप इसमें देख सकते हो वेलोड्रम का ख़ुद का डैक्स है वहाँ से वेलो मिलता है बाकी यूनिस्पैप ऑप्टिमिज्म नेटवर्क सेलेक्ट करके वहाँ पे भी वेलो मिलता है तो ये एक बार इस कॉइन को आप देख सकते हो वेलोड्रम को और ये काफ़ी अच्छा लाइक फंडामेंटल वाइज काफ़ी सॉलिड है और बाकी थेना जो है उसका भी खुद का डैक्स है उसके ऊपर आपको थेना मिल जाएगा और वो भी आप चाहो तो देख सकते हो टी करके इसका टोकन टिकर है ठीक है इसके अलावा सोलिड लीजर्ड है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो उस पर थोड़ा सा वेट कर सकते हो चाहो तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ बारह तारीख को ही लॉन्च हुआ है तो और इसका कॉइन ऑलरेडी काफ़ी पंप हो चुका है तो इसमें थोड़ा आप मैं वेट कर सकते हो थोड़ा सा देख सकते हो लाइक थोड़ा आप अपने साइड से रिसर्च कर सकते हो और इसके अलावा सॉलिडली V2 है ये भी आप देख सकते हो बट इसका कॉइन वगैरह आई डोंट नो उसका क्या सीन होगा आई थिंक कॉइन है या नहीं आई एम नॉट श्योर तो इसको आप थोड़ा अपने साइड से ये भी देख सकते हो इक्विलाइजर uh, फाइनेंस जो है उसका टी वी एल ग्रोथ भी अमेजिंग है यू नो यहाँ से ऑलमोस्ट वन मिलियन से लेकर फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर की ग्रोथ आ गई है पिछले यू you नो know, दो महीने में तो ये भी काफ़ी सही है ये भी फैंटम पे है कॉइन गेको पे इसका कॉइन मिल जाएगा इसका जो एफ टी वी है वो टी वी एल से काफ़ी कम है तो फोर्टीन डॉलर के आसपास प्राइस चल रही है इसकी बाकी आप ट्रैक कर सकते हो और दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस आपको थोड़ा सेकेंड रिसर्च भी करना है इनके चार्ट भी देखने हैं टी वगैरह भी एक बार यू नो क्रॉस चेक करना है किस टाइप से टी वगैरह है उसके बाद लाइक like, आपके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा रिस्क मैनेज करके तो चलना ही है और यू नो फोमो नहीं करना है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी डिफाई के कॉइन्स किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं अंडर वैल्यू कॉइन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं पंप होने से पहले उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में वापस ड्रॉप कर लूंगा वो एक बार आप चेक कर सकते हो तो आपको आइडिया लग सकता है कि आप खुद कैसे ही कर सकते हो बाकी अभी के लिए वेलोड्रम थेना सोलड लीजर्ड इक्विलाइजर एक्सचेंज पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो वेलोड्रम और थेना पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और एक बार थोड़ा ट्रैक और भी आपके साइड से करो और आई थिंक ये थोड़ा अच्छा कर सकते हैं बाकी यू नो मार्केट में क्या होगा मेरे हाथ में नहीं आपके हाथ में नहीं है हमको जैसा लगता है वैसा जरूरी नहीं हमेशा हो तो इसलिए रिस्क मैनेज करके चलना काफ़ी ज़रूरी है सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे और कमेंट में आप बताना कि आपके क्या थाट्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में आपने इसको ट्रैक किया है कि नहीं किया है और और कुछ आपके साइड से कुछ ऐसा रिसर्च मटेरियल आपके पास है आपके कुछ फाइंडिंग्स है वो भी आप शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ कमेंट में लाइक लोग पिक कर सकते हैं सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी थैंक यू